हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अगले विशाल चैनल में। तो आप देख रहे हो किसका है इतना बड़ा बॉनेट। तो मेरे पास है न्यू 2024 NG ग्लोस्टर जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, और मेरे पास है डेजर्ट वेरिएंट जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और मस्कुलर यहाँ पर लग रहा है। इसकी हेडलाइट देखो, इसकी ग्रिल देखो, कितनी मस्कुलर लग रही है यहाँ पे। और फीचर्स के मामले में तो बात ही मत पूछो, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते वो बोलो आप। फॉर्चुनर से तो नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे बात करें तो इसके ग्रे पियानो ब्लैक के अंदर मिलने वाले एनजी का लोगो क्रोम फिनिशिंग के अंदर नजर आने वाला है। और हेडलाइट देखें तो हेडलाइट काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर यहाँ पे नज़र आने वाली है, और इतनी मस्कुलर की बात ही मत पूछो। आगे से सिल्वर सा टोन दिया गया, वो हेडलाइट के अंदर क्रोम फिनिशिंग मिल रहा है हमें। और हेडलाइट पे जाके देखें तो इसके अंदर रेड थीम नज़र आ रही है जो हेडलाइट के अंदर, जो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है। इसके अंदर हेड बीम और लो बीम हमें प्रोजेक्टर के अंदर नज़र आने वाले, तो दोनों LED के अंदर नज़र आते हैं जो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे नज़र आने वाले। उसके नीचे जाके देखें तो इसके नीचे हमें फॉग लैम्प नज़र आता है जो हैलोजन और LED के अंदर आप कन्वर्ट करा सकते हो, तो LED भी कन्वर्ट करा सकते हो, हैलोजन नज़र आने वाला है इसके अंदर। यहाँ पे देखें तो सिल्वर आ गया, मैट फिनिश नज़र आने वाला जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है इसके अंदर। और इतना मस्कुलर देख रहे हो तो इसकी ग्रिल इसकी चौड़ा है। इसके अंदर 360 डिग्री व्यू कैमरा भी नज़र आने वाला, जो आपको इतनी बड़ी कार चला रहे हो तो इसके अंदर कैमरा तो चाहिए चाहिए तीनों साइड, तो आपको देखने में कोई आसानी हो। इस साइड जाके देखें तो मिरर कुछ ऐसा लगने वाला है यहाँ पे, जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और यहाँ पे बात करें तो डेजर्ट स्ट्रॉम लिखा हुआ नज़र आने वाला है इसके अंदर, तो इसका पेज है, इसका वेरिएंट ही मेरे पास जो है ऑटोमेटिक के अंदर नज़र आने वाला है। इसका अलोवेल्स देखें तो अलोवेल्स कुछ ऐसा लगने वाला, जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलर यहाँ पे अलोवेल लगने वाला, इतना मुश्किल लग रहा है कि बहुत ही मजा। पियानो ब्लैक यहाँ पे देखो तो NG का लोगो आ गया, इतना मुश्किल लग रहा है कि बहुत ही मत पूछो। उसके ऊपर देखें तो मैट फिनिश के अंदर मिलने वाला है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके अंदर आपको चारों के चारों डिस्क ब्रेक नज़र आने वाला, आगे वाला रेड थीम के अंदर नज़र आने वाला इसका कैलिपर जितना, इसीलिए यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे बात करें तो पियानो ब्लैक लगने वाला जो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके अंदर। और यहाँ पे देखें तो ब्रीड्स यहाँ पे डायनेमिक यहाँ पे लिखा हुआ जो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लग रहा है इसके अंदर। जो स्टिकरिंग यहाँ पे देखें तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बात कर तो डेजर्ट के अंदर कुछ ऐसे मिरर लगते हैं, यहाँ पर नीचे देखो इसके अंदर कैमरा भी लगता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल मिरर नज़र आ रहा है, कितने पैसे खर्च करो तो सही में मिलने वाला है। यहाँ पे कैमरा देख रहे हो और यहाँ पे कॉर्निंग लैंप भी नज़र आ रहा है, तो डोर खुलोगे तो ऑटोमेटिकली लैंप ओपन हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे बात करें तो इसके हैंडल कुछ ऐसा लगने वाले, फुल स्टेप आगे, फुल स्टेप काफ़ी मजबूत यहाँ पे लगने वाले इसके अंदर। यहाँ पे बात करें तो पियानो ब्लैक की उत्तर जो क्लीडिंग मिलती है डोर के ऊपर, वो मैट फिनिश की जगह यहाँ पे पियानो ब्लैक के अंदर नज़र आती है। ऊपर वाले पिलर भी हमें मे बी पिलर भी मैट फिनिश है, हमें हैंडल में क्रोम फिनिशिंग आ गया और एक सेंसर भी नज़र आने वाला है। इतना मुश्किल लग रहा है कि बहुत ही मत पूछो। इसके अंदर देखें उसके रूफ रेल्स आ गए, रूफ रेल्स में पियानो ब्लैक के अंदर मिलने वाले जो आप चढ़ रहे हो तेरह में सनरूफ खोल रहे हो तो उसके अंदर नैली में काम आएगा। सेमी रियल वाला डोर ही नज़र आना, बट इसके अंदर एक सेंसर नहीं मिलता, आपको पता ही होगा दोनों शरीर का सेंसर मिलता है। इसका शीशा बड़ा वाला कितना बड़ा चौड़ा और यहाँ पे मिलने वाला है इसके अंदर आपको, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बात करते हैं मैट फिनिश, यहाँ पे रिक्वेस्ट सनसेट दोनों साइड नज़र आते हैं हमें, जो काफ़ी बढ़िया है। सेमी रियल वाला मिलने वाला है इसके अंदर, जो मैंने आपको बताया रेड कैलिपर मिलता है। और यहाँ पे पियानो ब्लैक आ गया जो काफ़ी बढ़िया है इसका मिलने वाला है इसका लुक, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पर रियर में आ जाए तो रियर में मुझे ऐसा लगने वाला लुक यहाँ पे, ओ माय गॉड क्या लुक नज़र आ रहा है इसके अंदर। टेल लाइट देखो तो रिवर्स लैंप और इंडिकेटर मिलने वाले है। यहाँ पर देखो तो पूरी LED के अंदर लाइट होगी और ब्रेक दबोगे तो चुप चलेगा। और यहाँ देखो फोर व्हील ड्राइव विथ ADAS फीचर नज़र आने वाला है इसके अंदर, तो आप ADAS में भी चला सकते हो इसको, जो काफ़ी बढ़िया है। इसके ऊपर देखे तो काफ़ी मस्कुलर इसकी टेल लाइट है और काफ़ी ज़्यादा इसका रोला पीछे से लग रहा है, वो काफ़ी बढ़िया डिफोगर आ गया, वाइपर आ गया, हेडलैम्प स्टॉप लैम्प और हमें स्पॉइलर भी नज़र आने वाला है इसके अंदर। यहाँ पे वॉशर यहाँ पे दिया गया जो काफ़ी बढ़िया है, मैंने बताया सेम ही नज़र आने वाला है इसके अंदर। ऊपर से बात करें तो इसके अंदर देखें तो यहाँ पे MG का लोगो आ गया है, MG का लोगो काफ़ी बढ़िया लग रहा है क्रोम फिनिशिंग के अंदर, ग्लोस्टर ब्लैक के अंदर लिखने वाला जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है इसके अंदर। और इसके अंदर देखें तो मैट फिनिश के अंदर जो दो दो साइलेंसर मिले, दोनों साइड एक ही एक मिले, बट यहाँ पे शो पीस का एक एक मिलने वाला है आपको, तो दोनों साइड साइलेंसर तो मिलते हैं बट आपको फेक मिलते हैं दोनों, ठीक है। दो साइलेंसर तो मिलते हैं इसके अंदर जो काफ़ी बढ़िया, 2 लीटर इसका इंजन मिल रहा है तो आपको मिलने वाला है इसके अंदर। फ्रिक्वेंस सेंसर आ गए, 4 फ्रिक्वेंस सेंसर नज़र आते हैं, कैमरा भी लगने वाला है इसके अंदर। यहाँ पे बात करें तो इसके फ्यूल टैंक के बारे में, तो फ्यूल टैंक को जो ऐसे ओपन होता है और आपको बटन से करना पड़ता है। और यहाँ पे बात करें तो डीजल और DF नज़र आने वाला है इसके अंदर जो काफ़ी बढ़िया है,
टैंक नज़र आता है जो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, DF का और डीजल का टैंक नज़र आता है आपको, तो आपको इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी इसी पे। ठीक है, अभी हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे नज़र आने वाला इसके अंदर साइड में से लुक कुछ ऐसा जो काफ़ी बढ़िया लुक नज़र आ रहा है। कितना मुश्किलर लुक देख रहे हो आप, ब्लैक कलर तो बात ही अलग है, बट इसके अंदर भी काफ़ी मुश्किलर लुक नज़र आने वाला है। इसके अंदर जो ब्लैक कलर आ गए, इसके अंदर डेजर्ट का जो कलर नज़र आता है वो काफ़ी बढ़िया है। पीएन ब्लैक आ गया, जो ब्लैक और ब्लैक कलर कभी कोई भी कार कोई भी रंग के साथ मैच हो जाता है, ब्लैक कलर आपको पता ही होगा। इसके अंदर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इसमें साइड में से लुक काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया हुआ है और इतने मस्कुलर लुक देख रहे हो, काफ़ी बढ़िया लग रहा है इसके अंदर। और यहाँ पे बात करें हम साइड में से देखेंगे, तो साइड में से इसका डोर ओपन करते और अंदर जाके इंटीरियर आपको दिखाता हूँ क्या फीचर्स नज़र आते हैं। तो वो माई गॉड क्या लग्जरियस इंटीरियर नज़र आता है इसके अंदर गाइस। और यहाँ पे बात करें तो डोर थीम कुछ ऐसा लगने वाला है, यहाँ पे सिल्वर सा लाइन आ गया, हैंडल काफ़ी मस्कुलर यहाँ पे दिया गया हुआ है, हैंडल काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे देखो तो सॉफ्ट टच हार्ड प्लास्टिक नज़र आने वाले, इसके अंदर चार पावर विंडो नज़र आते हैं, एक ऑटो अनलॉक वाला फीचर्स आ गया, काफ़ी बढ़िया है। मिरर फोल्डेबल यहीं से कर पाओगे आप, मिरर फोल्डेबल यहाँ से करना पड़ेगा आपको, हाथ से यहाँ पे किया गया हुआ जो काफ़ी बढ़िया लगता है। इसके ऊपर देखो तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है, स्पीकर रील आ गई और यहाँ पे अपना जो है फ्यूल टैंक का यहीं से खोल सकते हो आप, और यहाँ पे पोर्टल और अपना सामान वामान रख सकते हो कोई भी, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे पकड़ सकते हो, काफ़ी बढ़िया सॉफ्ट टच नज़र आता है इसके अंदर, काफ़ी बढ़िया। और यहाँ पे देखे तो कुछ ऐसा मिलने वाला है इसके अंदर, तो अपने हाथ से यहाँ पे देखे तो MG यहाँ पे चलने वाला है इसके अंदर, डोर खोलोगे तुरंत ही चल जाएगा इसके अंदर, जो काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ देखिए मेमोरी सेट भी आप सेट कर सकते हो, इसको 1 पे 2 पे कर सकते हो, इसके अंदर मेमोरी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आगे पीछे इसकी सेंट्स कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया लगने वाला है इसके अंदर, काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुक नज़र आता है। और यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर मैं बैठ जाता हूँ और बैठ के आपको इसके अंदर क्या क्या फीचर्स नज़र आते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे बात करें तो कुछ ऐसा स्टेयरिंग नजर आने वाला, काफी मुश्किलर लगता है, यहाँ पे पैडल शिफ्टर नजर आने वाले, और यहाँ पे देखो सिल्वर, यहाँ पे पियानो ब्लैक, यहाँ पे कुछ कर सकते हो, यहाँ पे एयरबैग का शाइन है, काफी मुश्किलर लग रहा है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्रूज पे डाल सकते हो, अप डाउन कर सकते हो, ओके भी चला सकते हो, या फिर रिसेट सेट कर सकते हो, इसके अंदर काफी मुश्किलर लगने वाले इसके अंदर स्टेयरिंग भी, जिगजैग लाइन नजर आते हैं, सॉफ्ट टच नजर आने वाला, पियानो ब्लैक आ गया सिल्वर के अंदर जो काफी मुश्किलर लग रहा है, यहाँ पे फ्लैट बॉटम हमें नजर आने वाले, सबको चलाने में कम्फर्ट नजर आने वाला है इसके अंदर। यहाँ पे बात करें तो कुछ ऐसा लगने वाला है, लाइट बैठ आप यहाँ से चला सकते हो इसके अंदर। यहाँ पे बात करें तो अपना मिरर मिरर चला सकते हो, मिरर मीन्स कि आपका मिरर नहीं है, आपका वाइपर चला सकते हो इसके अंदर, जो काफी लगने वाला है। और यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर खोल लेते हैं इसको, तो खोलने के बाद देखते हैं इसके अंदर टिल्ट है या टेलीस्कोप नजर आने वाला है, टिल्ट एंड टेलीस्कोप नजर आने वाला है हमें, अप डाउन भी कर सकते हो इसको। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन नजर आने वाला है, तो इंजन स्टार्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पे 12 इंच का हमें स्क्रीन नजर आने वाला है, यहाँ पे सिल्वर आ गया, यहाँ पे पन्नी बनी निकाल सकते हो आप। यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर क्लस्टर देख रहे हो, कितना मुश्किल लगने वाला है, यहाँ पे स्टार्ट भी कर सकते हैं क्योंकि डोर ओपन है मेरा वाला। और इस साइड भी सेम नजर आने, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे देखे तो कुछ ऐसा लगने वाला है एसी वेंट, तो मस्कुलर भी के साथ साथ यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग भी दिया गया। डैशबोर्ड में देखे तो डैशबोर्ड में सॉफ्ट टच नजर आने वाला, यहाँ पे जिगजैग लाइन आ गई व्हाइट कलर के अंदर, यहाँ पे लगने वाले जो काफी बढ़िया। और इसके अंदर स्पीकर सिस्टम बात करें तो 12 स्पीकर नजर आने वाले हमें इसके अंदर, जो काफी बढ़िया लगने वाले हैं। यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर कुछ ऐसे लगने वाले, इवेंट चला सकते, मोड बोर्ड डाल सकते हैं, फ्रंट अप डाउन कर सकते हो, रियर वाला आ गया। और यहाँ पे बात करें तो कुछ, ओह माय गॉड, यहाँ पे 12 इंच, यहाँ पे फोन भी चार्ज कर सकते हो, यहाँ पे USB टाइप वाला नजर आता है, यहाँ पे सेम ही है, यहाँ पे बंद भी कर सकते हो इसके अंदर, और यहाँ पे बंद हो गया, तो इतना मुश्किल दिया गया, यहाँ पे सिल्वर लगता है। और यहाँ पे बात करें तो कुछ ऐसा लगने वाला है, यहाँ पे बात करें कितना बढ़िया है यार, दोनों साइड यहाँ पे वेंटिलेटर शीट चला सकते हो, हीटर भी चला सकते हो, वाह भाई वाह क्या बात है इसके अंदर। यहाँ पे बात करते हैं रिवर्स पे, न्यूटन पे और डीबे भी चला सकते हो, यहाँ पे पार्किंग में भी दिया, गेयर नॉक यहाँ पे प्रीमियम नजर आने वाला है, कितना प्रीमियम लग रहा है आप देख ही रहे हो इसके अंदर। यहाँ पे 4x4 भी डाल सकते हो इसके अंदर, ट्रैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हो, हिल असिस्टेंट नजर आ सकते हो, पार्किंग में भी डाल सकते हो, पीपी कर सकते हो, 4x4 असिस्टेंट भी कर सकते हो इसके अंदर, यहाँ पे ट्रीड ना हो जाए वो भी कर सकते हो। यहाँ पे बात करते हैं पार्किंग की, यहाँ पे भी नजर आते हैं, यहाँ पे भी लगने वाला है पार्किंग, हैंडब्रेक भी चला सकते हो इसके अंदर। यहाँ पे बात करते हैं ऑटो होल्ड, स्नो मोड पे भी यहाँ पे जा सकते हो, ऑटो पे भी कर सकते हो, स्पोर्ट्स मोड आ गया, रॉक सैंड भी मोड पे भी चला सकते हो इसके अंदर। यहाँ कितना मस्कुलर लग रहा है आप देख ही रहे हो, अब ऊपर से देखो तो कुछ ऐसा लगने वाला है, तो काफी बढ़िया लगने वाला है। यहाँ पे बात करें तो 2 कप होल्डर नजर आने वाले, जो बढ़िया ही लग रहे हैं ना इसके अंदर। यहाँ पे बात करें तो इसको खोल लेते, तो यहाँ से खोलना पड़ेगा,
और यहीं से खुल जाता है, तो कुछ ऐसा खुलने वाला है। अभी मैं इसके अंदर लाइट कर लेता हूँ, लाइट में इतना स्पेस देख रहे हो, यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे हीटर वीटर वाला रखने वाला है। तो अपने फोन को आप इधर कोई भी बॉटल बॉटल डाला होगा तो ठंडा भी हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे भी बंद कर सकते हो, यहाँ पे बंद कर सकते हो, यहाँ पे सॉफ्ट टच नजर आता है, काफी बढ़िया लगने वाला है। तो गाइस यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर कुछ ऐसा लगने वाला है, यहाँ पे मिरर टोटो भी डाल सकते हो, अपने बाहर से भी देख सकते हो इसके अंदर। यहाँ पे बात करते हैं एलईडी में लाइट नजर आते हो, काफी बढ़िया लगने वाली है। यहाँ पे देख रहे हो कुछ ऐसा लगने वाला, सनरूफ वनरूफ खोल सकते हो, अपने आप ही अप डाउन कर सकते हो इसके अंदर। यहाँ पे बात करते हो बुड्डी की वाला नजर आता है, यहाँ पे लाइट अप डाउन कर सकते हो, दोनों साइड चला भी सकते हो, यहाँ पे बंद होएगा स्टार्ट भी हो जाएगी। यहाँ पे माइक नजर आता है हमें, इस साइड देखे तो यहाँ पे लगने वाली एकदम लाइट बैट या हैलोजन सेट में लाइट नजर आती है हमें मिरर के साथ साथ। टिकट होल्डर वाला सीन कोई नजर नहीं आता इसके अंदर। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी एक मिरर है और यहाँ पे भी लाइट नजर आने वाली है, तो इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पे भी बंद कर दिया। यहाँ पे इसका ग्लो बॉक्स देखते हो तो यहाँ पे नजर आने वाला, तो इसको खोल लेंगे तो ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पे देखा दे तो कुछ ऐसा लगने वाला है, यहाँ पे ग्लो बॉक्स इसका काफी स्पेस नजर आता है, डीप स्पेस नजर आती है। फर्स्ट किट भी यहाँ पे लगती है एमजी की तरफ से दिया हुआ, जो एमजी का लोगो वो देख रहे हो इसके अंदर। अभी यहाँ पे इसको कर देते बंद हम। यहाँ पे बात करते सेमी नजर आने वाला, इसका इंटीरियर काफी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे सीट अपनी हाइट से एग्जिटेबल कर सकते हो और मेरे पास ऑटोमेटिक बेड लगने वाला है, तो ऑटोमेटिक भी आप चला सकते हो और 4x4 के साथ लगने वाला है। तो गाइस यहाँ पे बाहर जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका बोनट कितना दिख रहा है मुझे मेरी हाइट के मुताबिक। तो मैं यहाँ पे अप कर लेता हूँ, अप भी कर सकता हूँ, डाउन भी कर सकता हूँ, आगे पीछे कर सकते हो इसके अंदर, सीट बीट अप डाउन कर सकते हो। और यहाँ पे बात करें तो आगे इसके अंदर इसके मुताबिक आप देख सकते हो कि यहाँ आपके पत्थर है नहीं, आप रोड कर रहे हो तो आगे कितना दिखा रहा है इसके अंदर आप देख सकते हो इस डिस्प्ले के अंदर, क्योंकि 360 डिग्री व्यू कैमरा नजर आने वाला है इसके अंदर हमें। और यहाँ पे हमें मीटर नजर आता है जो काफी बढ़िया मुस्कुलर लगने वाला है। अभी हम चले जाते हैं रियर के अंदर और रियर में जाके आपको दिखाता हूँ कितना स्पेस लग रहा है हमें इसके अंदर। तो रियर में जाके आपको मिलता हूँ मैं। और मैंने आपको बताया नहीं कि यहाँ पे 1000 लाइन भी दिया गया हुआ है, अब देख लेना यहाँ पे दिया गया हुआ है, देख रहा हूँ कितना मुस्कुलर लग रहा है। चलो हम मिलते हैं बाहर जाके, बाहर जाके नहीं पीछे जाके मिलता हूँ आपको। तो गाइस हमें बात करते तो रियल में सेमी हैंडल नजर आने वाला पियानो ब्लैक के अंदर। और यहाँ पे हम डोर ओपन कर लेते हैं, डोर ओपन करते कुछ ऐसा लगने वाला है हमें डोर, तो काफी मुश्किलर लग रहा है, पूरा ब्लैक थिंग के साथ लगने वाला है। और यहाँ पे बात करें तो कुछ ऐसा सॉफ्ट टच, यहाँ पे सिल्वर सेमी आगे वाला लगने वाला, ट्विटर स्पीकर आ गया। यहाँ बात करें तो पावर विंडो अप डाउन कर सकते हो इसके अंदर, मिरर को मिरर कितना बड़ा लगता है, मिरर नहीं रियर वाली खिड़की का है शीशा। यहाँ पे बात करें तो सेम यहाँ पे मोटर रख सकते हो, यहाँ पे भी दिया गया हुआ है, काफी मुश्किलर लग रहा है। यहाँ पे स्पीकर यहाँ पे दिया गया हुआ है, एमजी यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है जो काफी मुश्किलर लग रहा है। यहाँ पे बात करें तो फुल स्टेप आ गया इसके अंदर, सेम लगता है, कैप्शन शीट नजर आते हैं रियर वाली दो। यहाँ पे बात करें तो इसको कर सकते हो इसके अंदर, पहले चढ़ जाता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ हैंडल आपको चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए दिया गया हुआ है। और रियर में बात करें तो बम्प तो हमें दिख ही नहीं रहा है, इस बम्प नहीं दिखता। तो यहाँ बात करें तो कुछ ऐसा लगने वाला है यहाँ पे आपको इसके अंदर, आप देख रहे हो कि यहाँ पे अप डाउन कर सकते हो फ्लो को, तो फ्लो कहाँ से आएगा वो देखना है आपको। यहाँ पे अटक तो हीटर अप डाउन, हीटर भी यहाँ पे जला सकते हो, ऑटो मोड ऑफ भी कर सकते हो इसके अंदर। यहाँ पे बात करें तो वाओ गाइस वाओ, क्या दिया गया सिस्टम देख रहे हो इसके अंदर, सिस्टम हैम कर दी इसने दो। पावर विंडो 12 वॉट 120 वोल्ट का लगने वाला, यहाँ पे अपना लैपटॉप बैकअप चार्ज कर सकते हो। अभी यूएसबी टाइप दिया गया हो, यहाँ पे कोई भी लगने वाला है क्योंकि काफी मुश्किल लगता है क्योंकि गंदा ना हो, यहाँ पे फोन वोन रख सकते हो अपना। यहाँ पे बात करें तो पीछे भी यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लाइट बोर्ड लगने वाले हैं यहाँ पे हमें। और यहाँ पे बात करते हैं लाइट आ गई, यहाँ पे आप डाउन कर सकते हो, इसको बंद की कर सकते हो। और यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे दिया गया फ्लो वाला, यहाँ पे एयरबैग का शाइन आ गया, आप बंद कर सकते हो। सेम ही यहाँ पे भी नजर आने वाला, यहाँ पे आ गया और पैनोरामिक सनरूफ नजर आने वाली हमें। और आगे इस इंटीरियर देखे तो इंटीरियर कुछ ऐसा लगने वाला मस्कुलर। और यहाँ पे बात करते कैप्शन शीट देख रहे हो तो कुछ ऐसे लगने वाली यहाँ पे, जो काफी बढ़िया लग रही है। यहाँ से इसके अंदर देख रहे हो कप होल्डर यहाँ पे दिया गया, इस साइड नजर नहीं आने वाला। यहाँ पे अपना सामान वामान रख सकते हो गाइस, यहाँ पे सामान वामान रख सकते हो, यहाँ पे कप होल्डर आ गया, यहाँ पे रख सकते हो सामान। यहाँ पे इसको बंद कर देते, यहाँ पे कैप्शन फ्री दिए गए, तो इतने आगे पीछे कर सकते हो इसके अंदर। और यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे भी दिया गया कुछ, यहाँ पे देख रहे हो दोनों साइड। यहाँ पे बात करो तो मैंने इसको पहले दिखाया था, तो इसको फोल्ड भी कर सकते हो इसके अंदर और इसको पीछे भी कर सकते हो, राइट। इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हो कैप्शन सीट को,
यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर तो यहाँ पे भी कर नहीं सकते आप कैप्टन शीट को आगे पीछे। आपको जाना है थर्डो में तो मैं थर्डो में ऐसे चला जाता हूँ, आगे पीछे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो कि आपको बोर ना लगे यार क्या कर रहा है। अरे यहाँ पे बात करें तो कुछ ऐसा लगने वाला है। यहाँ पे सिस्टम देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी सामान नहीं लगता है। यहाँ पे देखे तो इसको खुलना है, खुल भी सकते हो ऐसे, खोल लिया ना इसको बंद भी कर सकते हो। काफी हार्ड लगता है। यहाँ पे भी हमें पावर बटन लगता है 12 वोल्ट का लगने वाला है। यहाँ पे बंद कर सकते हैं। यहाँ पे समर बटन, यहाँ पे कप होल्डर आ गया इसके अंदर। यहाँ पे बात करें यहाँ पे एसी वेंट लगने वाला है। यहाँ पे भी एसी वेंट है और यहाँ पे भी लाइट लगने वाली है। हमें इस लाइट को हम बंद कर देते ऐसे लगने वाले थे। फ्लो ब्लो यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे बात करो तो सेम ही लगने वाला है। अपनी फोन की लाइट स्टार्ट ही करने वाली है। यहाँ पे भी सेम ही लगता है। यहाँ पे कोई भी नहीं। और यहाँ पे हमें यूएसबी टाइप चार्जर लगने वाला है। यहाँ पे तो काफी मुश्किलर लग रहा है। यहाँ पे स्पीकर आ गया दोनों साइड। यहाँ पे सेम ही लगने वाला, काफी बड़ी लगती है। और इसके अंदर बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस लगने वाला है। मेरे हिसाब से काफी स्पेस दिया गया है। इसके अंदर सीट्स भी काफी मुश्किलर लगने वाले हैं इसके अंदर। यहाँ पे बात करते सेम ही काफी मुश्किलर सीट्स दी गई हुई है। एयरबैग है ये साइड देखे तो रियर में कुछ ऐसा लगने वाला है। यहाँ पे स्पेस देखे तो स्पेस कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पे तो काफी बढ़िया लग रहा है। इसके अंदर सेम ही लगने वाला है। यहाँ पे बूट स्पेस आप देख सकते हो, इसके अंदर काफी स्पेस लग रहा है इसके अंदर। यहाँ पे बात करते इसके हेडरूम के बारे में, हेडरूम कुछ ऐसा लगने वाला, काफी बड़ा हेडरूम लगने वाला है इसके अंदर। तो मुश्किलर के बारे में बात करें तो फॉर्चुनर से नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि फीचर्स के मामले में बात करें तो फॉर्चुनर से भी बीट कर सकती है कार। तो फॉर्चुनर को बीट, और फॉर्चुनर का रोला भी एक तरफ है, बट इसका रोला भी एक ही लगने वाला है। क्योंकि फीचर्स के बारे में बात करें तो फीचर्स को आपको इसके अंदर लगने वाला है इसके अंदर, क्योंकि बढ़िया लगने वाला है। यहाँ पर लाइट वेट अप डाउन कर सकते हो इसके अंदर, अप फ्लो भी अप डाउन कर सकते हो इसके अंदर। और यहाँ पर बात करें तो रियर में कुछ ऐसा लगने वाला है। यहाँ पर सीट काफी मुश्किल लग रही है। यहाँ पर बात करते सेम ही लगने वाला है। अभी हम चले जाते हैं बाहर की ओर, बाहर जाके आपको दिखाता हूँ कुछ। आपने ओवरऑल वीडियो देखा होगा, एमजी नॉट ए हेक्टर है, एमजी ग्लोस्टर है हमारे पास, जो काफी ज्यादा बड़ी कार है। एमजी हेक्टर से तो काफी बड़े है, फॉर्च्यूनर के लेवल की है, काफी ज्यादा मुस्कुलर कार है। आपको कैसा लगे फीचर्स इसके अंदर? मैंने काफी फीचर्स देखे। कैप्टन सीट है, सेवन सीटर कार है मेरे पास, 2 लीटर हमें मिलने वाली है। और काफी ज्यादा बीएचपी, काफी ज्यादा टॉर्क है, 4x4 के साथ है। आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो और इस कार को परचेज भी कर सकते हो फॉर्च्यूनर के भी साइड में, एक कंपेरिजन में आती है, क्योंकि इस कार में नए नए फीचर्स भी लगने वाले हैं। तो इस कार को आप खरीद सकते हो मेरे हिसाब से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आपके भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहे। जय हिंद, जय भारत।